नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूँ आरजे अनिमेश। जैसे कि मैं सुबह से ही आपको बता रहा था कि आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है, उनकी मूवी के बारे में हम जानने वाले हैं, ढेर सारी बातें होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है। जी हाँ, पहले तो मैं नॉक 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 करके उनको बुलाना चाहूंगा और उसके बाद मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। नॉक नॉक नॉक, कोई है? हाँ, हाय अनिमेश। है, यहाँ पे है। नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुधांशु सरिया हमारे साथ इस वक्त हैं और उनकी मूवी के बारे में, यानी कि इस वक्त बातें होगी नॉक 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 के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोलकाता के लोगों से आपके थ्रू हम मिल पा रहे हैं, और ये फिल्म जो कि बंगाल से इंट्रिकेटली रिलेटेड है, दार्जिलिंग में फिल्म्ड है, और अपने कोलकाता के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, ग्रेटेस्ट एक्टर्स शांतिदा मुखर्जी, जो जिन्होंने इसमें काम किया है, वो इससे जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता के लोगों से तक पहुंचने का आप मौका दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि नॉक 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 को हमने देखा है, वर्ल्ड प्रीमियर लास्ट ईयर हो चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और अब मूवी में ये प्रीमियर होने वाली है। कुछ सर बताना चाहेंगे, 15 सितंबर का इंतजार है, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब ऑब्वियसली आई थिंक जब आदमी कुछ भी लिखने लगता है तो एक तरह से मतलब अंधेरे में और एकांत में और अकेले में काम कर रहा होता है, तब तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि जो मैं लिख रहा हूँ ये बनेगी भी, और बनेगी तो कोई इसे देखेगा भी। तो सबसे मुश्किल काम आई थिंक तभी का है, एक बार जब अपन लिख लेते हैं तो उसके बाद जो लिखा है उसको सही तरीका से बनाने के लिए कितने आर्टिस्ट, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे याद है मैं कोलकाता आया था कास्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक ये किरदार को निभाने के लिए हमें एक उम्दा परफेक्ट बंगाली एक्टर नहीं मिलता तो उनके बिना फिल्म ही नहीं होती। और उस प्रोसेस में हमें कोलकाता से वहाँ के टेक्नीशियंस, हमारे लाइन प्रोड्यूसर, हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो हैं जयिता रे, हमारे कोलकाता के लाइन प्रोड्यूसर हैं अरिंदम बैनर्जी, हमारे जो मेकअप दादा हैं शंभुदा, और शांतिलाल मुखर्जी जो हमारे एक्टर हैं, इन सभी आर्टिस्ट से वहाँ वन बाय वन मिलने का मौका मिला, और सभी ने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझसे मिले, और सब ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो आके दार्जिलिंग में हमारे साथ इस छोटे रूप में ये एक फिल्म बनाना चाहेंगे। तो तब से लेके तब तक मतलब जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जितना भी मैंने सोचा था उससे कहीं आगे निकल गई फिल्म, और फिल्म अच्छी बने ना बने उसके बाद भी लोगों तक पहुंचाना, इन चीज़ों में फेस्टिवल्स का बहुत हाथ रहता है, और बुसान जैसे दुनिया की एकदम श्रेष्ठ फेस्टिवल्स में से एक है, तो उनका हमें फ़ोन करना और इनविटेशन देना और बुलाना और वहाँ वर्ल्ड स्टेज पे प्रेस के सामने कहना कि ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। और वहाँ से हमारी जर्नी कहीं स्टार्ट हुई, जो पिछले एक साल तक, एक पिछले एक साल से नियरली टू द डे, मतलब बुसान पिछले साल बुसान सेप्टेम्बर एंड में हुई थी, जी पिछले एक साल से कोविड और कोविड से पहले भी हम दिखाए जा चुके हैं, जहाँ कितनी सारी कंट्री से हमें अवार्ड्स मिले हैं, तो अब फाइनली आके अपनी ऑडियंस से मिलने का एक मौका है जो मूवी हमें दे रही है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और मेरे लिए एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो बहुत स्पेसिफिक सी स्टोरी है ये इतना आगे आ जाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, हम सभी को इंतजार है कल के दिन का। वैसे मुझे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये, अभी जी तक जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो प्रीमियर तो जी बहुत जगह पे हो गई है बड़े तरीके से, लेकिन आप बताना चाहेंगे जी मेन मुद्दा क्या है इस मूवी में? नॉक नॉक नॉक, नाम ही ऐसा हटकर क्यों? मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये फिल्म एक मतलब नॉक नॉक मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। तो शांतिदा जो कैरेक्टर निभाते हैं दादा का, वो कैवेंटर्स में दार्जिलिंग में कैफे में बैठे अपना काम कर रहे हैं, वो क्रॉसवर्ड डिजाइनर है। तो आप लोग जो संडे के पेपर पे हम लोग क्रॉसवर्ड करते हैं, वो क्रॉसवर्ड कोई बनाता भी है, तो वो बनाते हैं, और उनको अपने एकांत में शांति से अपना काम करने में बड़ा मजा आता है, ना उनको कुछ किसी से लेना है ना किसी को कुछ देना है, वो अपना एकदम खुश है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, और इस बीच एक यंग नेपाली लड़का आके उनकी टेबल पे नॉक नॉक मार के हेलो बोलने की कोशिश करता है, तो एक तरह से वो एक स्ट्रेंजर का आके उनको इंटरप्ट करना, क्योंकि उन्हें उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड आदमी कैसे बनाता है, तो जो भी एक उनकी क्यूरियोसिटी है दादा के रिदम को इंटरप्ट करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स ने दादा की तरफ एक दोस्त भेजा है नॉक नॉक के जरिए। अब दादा को डिसाइड करना है कि ये दोस्त है या दुश्मन, ये सच में मेरे में इंटरेस्टेड है या इसके कोई और एजेंडा है। तो जैसा कि हम सभी अपने लाइफ में करते हैं, अगर हम कोई स्ट्रेंजर आके हमें बोलता है, हेलो बोलता है,
सबसे पहले हम सोचने लगते हैं कि सामने वाले को मेरे से क्या चाहिए, क्यों हेलो बोल रहा है, व्हाई आर यू बीइंग नाइस टू मी. दुनिया ही ऐसी हो गई है कि कोई स्ट्रेंजर का एक हेलो बोलना भी हमें सस्पिशियस लगने लगता है. तो ये फिल्म उस बारे में है कि किस तरह हम उस जजमेंट के साइकिल में चले जाते हैं. अगर हम शकी बन जाते हैं तो नो मैटर वो सामने वाला कितना हमारे लिए परफेक्ट हो, कितना सुंदर हमारी हमारी सुंदर दोस्ती हो सके उसके साथ, अगर हम शकी हैं तो कहीं ना कहीं हम ही रिलेशनशिप को बढ़ने नहीं देंगे. तो उस मुद्दे को लेके एक मतलब शायद एक इंटरेस्टिंग सा हमने फिल्म बनाया है और अब हम बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि कौन देखता है, जो देखते हैं उनको कैसा लगता है. कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है, वो सेम 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 यू नो मैं तुम पे मरता हूँ आहें भरता हूँ वो सब वो काम हमको नहीं करना है. तो कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है क्योंकि मुझे लगता है इतना कॉन्टेंट है आजकल सबके पास, टीवी पे, सिनेमा पे, गैस थिएटर बंद, फिर भी OTT पे, ये वो. तो अगर अब लोग चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ हटके हो, तो बस वही बनाने की कोशिश की है कुछ ऑनेस्ट तरीके से. तो अब देखते हैं लोगों को कैसा लगता है. बिल्कुल, मेहनत जो है वो रंग लाएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी. वैसे फ्यू वर्ड्स फॉर शांति नाल सर, कैसा लगा उनके साथ काम करके? मतलब एक तरह से वो मेरे किरदार बन गए, तो बहुत ग्रैटिट्यूड और मतलब उनके प्रति बहुत प्यार भी आया और एक तरह से वो मेरे गुरु भी बन गए क्योंकि उनके साथ काम करके एक नया तरीका सीखने को मिला कि किस तरह से काम किया जा सकता है. वो अपने काम के बड़े पक्के हैं, बहुत मेहनती हैं और बड़े सीनियर एक्टर हैं और मतलब कोलकाता में तो थिएटर सीन में भी बहुत मंजे हुए मतलब डायरेक्टर भी हैं. उनकी अपनी थिएटर ट्रूप, अपनी उनकी कंपनी भी है. तो एक बार जब मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि हाँ अगर कोई ये प्ले कर सकता है तो यही प्ले कर सकते हैं, उसके बाद तो मतलब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, सब शांति दा के हाथ में था. वो मेरे साथ काम करेंगे या नहीं, वो दार्जिलिंग जाएंगे या नहीं, वो मुझ में ट्रस्ट करेंगे या नहीं, वो उनसे पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों किया है. और जहाँ तक मेरी, मैंने उनको बहुत परेशान किया पर वो कभी हार नहीं माने और जितनी रिक्वायरमेंट मैंने सामने डाली सारा उन्होंने बखूबी निभाया और बहुत छोटे समय में इतनी सुंदर फिल्म पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है. तो मतलब मेरे लिए वो मेरी आर्टिस्टिक जर्नी से जुड़ गए हैं. और लास्ट डे पे जब हमारी फिल्मिंग ख़त्म हुई मैंने उनसे आशीर्वाद भी मांगा क्योंकि एज अ डायरेक्टर एक जो भी रिलेशनशिप है शूटिंग के एंड में वो ख़त्म हो जाती है. उसके बाद मेरे लिए वो मेरी फील्ड में मेरे से कई ज़्यादा आगे मेरे बड़े हैं. तो मुझे यही चाहिए कि उनका हाथ हमारे ऊपर रहे और हमारे करियर को वो प्रोत्साहन देते रहें. बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु सर, बिल्कुल ये मूवी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लोगों को पसंद आने वाली है और जब करियर की बातें हो रही है तो उसके बारे में हम बातें करेंगे. लेकिन सबसे पहले कोलकाता के साथ आपका भी पुराना रिश्ता रहा है, फ्यू वर्ड्स फॉर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, कहना चाहेंगे कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें? हाँ बिल्कुल. अब मैं पला बड़ा हुआ सिलीगुड़ी में, तो मेरे ताऊजी रहते हैं बालीगंज में, मेरी बुआ रहती हैं सॉल्ट लेक में, मतलब मेरी फैमिली है बाकी अलीपुर में भी. तो मतलब मेरे लिए कोलकाता आना मतलब ये सबसे क्लोजेस्ट बिग सिटी था. तो हम हर समर आते थे शॉपिंग करने मतलब, और मुझे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, एक बुक शॉप था अपना पार्क स्ट्रीट पे और मैं बस वहीं घुसा रहता था. एक सूटकेस भर के किताबें हम लेके जाते थे, फिर सिलीगुड़ी में वो पूरा समर सारी रीडिंग होती थी और फिर अगले समर फिर पहुँच जाते थे जितनी भी पॉकेट मनी हो बस किताबें खरीदनी. और ऑब्वियसली मतलब कोलकाता की के रेस्टोरेंट्स कितने बढ़िया मतलब जब भी हम मतलब कन्विंस करके डरा धमका के जो भी टेक्निक यूज करके अगर हम एक बार ग्रैंड में एक बार तो खाना खाने जाना ही है तो वो लड़ झगड़ के जिस तरह भी हो सके एक बार वहाँ पहुँचना ही है. और मतलब तो बहुत सारी यादें हैं फूड को, फूड से रिलेटेड भी, चाहे वो अलीपुर के पुचके हो, चाहे अपना यू नो फ्लूरीज हो, लाइक कितने मतलब सो बहुत सारी यादें हैं. तो कोलकाता मुझे बहुत पसंद है और अभी जनवरी में कोविड से पहले भी मैं कोलकाता में था, वहाँ की एक बहुत सुंदर फिल्म फेस्टिवल है आर्ट फेस्ट जिनके डायरेक्टर शपथ दास हैं. तो शपथ ने नॉक 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 को इनवाइट किया था कोलकाता में स्क्रीन करने के लिए. तो वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के फिल्म मेकर्स, बहुत सारे लोगों से भी वहाँ मुलाकात हुई तो फिर से मज़ा आया. और इस बार जब मैं वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी तो मेरे कई परिवार वाले भी आए थे देखने, तो उनके साथ बड़ी स्क्रीन पे देखने का मजा ही कुछ और है. तो मैं कोलकाता को इसीलिए भी थैंकफुल हूँ. क्या बात है, क्या बात है. मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी एक बार फिर से मास्क पहन के आप कोलकाता आ जाए. अभी तो फ्लाइट एयरपोर्ट सोच के डर लगता है
बट एक बार दुनिया नॉर्मल हो जाए तो आना ही है, और जाना कहाँ है, कोलकाता ही आएंगे, मतलब मेरे लिए एक सेकंड होम है जैसे, सो कैन नॉट वेट। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो, जल्दी जल्दी आप कोलकाता आएं, आपका अपना शहर है और खुले हाथों से हम आपका स्वागत करते हैं, और स्टूडियो में बैठा के मैं आपको मिठाइयां भी खिलाऊंगा और ढेर सारी बातें और भी करेंगे। वैसे सर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपकी आपकी मूवीज की बातें करें, LOEV की बातें करें या फिर नॉक 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 की बातें करें, सब थोड़े से हट के अलग रहती है, जैसे कि आपने भी कहा कि मुझे नॉर्मल मूवीज नहीं है करनी है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका मेन मोटिव क्या रहता है सर जब मूवीज आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या डायरेक्शन करते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा मोटिव तो यही रहता है कि सच्चाई से काम की जाए, मतलब मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या वो सब नहीं मालूम, बिकॉज आई थिंक ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं जो वो बनाना चाहते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है, पर मेरे हिसाब से मुझे पता ही नहीं ऑडियंस क्या देखना चाहती है, मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं पता ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तो मैं वो ही कर सकता हूँ जो मुझे सच लगता है, तो मैं हमेशा अंदर झांकता हूँ और जो भी कहानी मुझे लगती है कि ये एक सच कहानी है या इस कहानी में मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जिससे औरों की मदद हो या इसमें कुछ इंसाइट है जो शायद लोगों को यूज़फुल लगे, तो उन कहानियों के पीछे मैं फिर हाथ धो के पड़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये कठिन है, अगर ये अनयूजुअल है, अगर इसको बनाने में तकलीफ है, तो शायद इसीलिए इसका बेड़ा मुझे लगाया गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होगा, थोड़ी ज़्यादा थकान होगी, पर अपन कर लेंगे। और मतलब आगे का मुझे भी नहीं मालूम, आई थिंक कल कौन सी कहानी में इंटरेस्ट आए, कल कौन सी कहानी में मुझे सच्चाई नज़र आए, वो कल को मालूम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी वो होता है अपन उसको भी उतनी शिद्दत उतनी मेहनत से बनाएंगे। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही हम सोचते हैं कि कुछ हटके बनाया जाए, पर हाँ मैं हमेशा यही सोचता हूँ जो भी बनाना है सच्चाई से बनाना है, और मतलब यू नो वो कहते हैं ना, मतलब कि मतलब इट्स यही वही है, मतलब कि आप एंटरटेनिंग हर जो भी आप बनाते हो वो एंटरटेनिंग तो होना ही चाहिए, पर अगर सिर्फ एंटरटेनिंग हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, मतलब बर्गर में कोई पौष्टिकता नहीं है, बर्गर से मजा आने वाला है पर आप ज्यादा बर्गर खाएंगे तो खाली स्वास्थ्य गड़बड़ी होगी, तो मेरी थिंकिंग हमेशा है कि एक फुल प्लेट, एक पौष्टिक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करी जाए जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, मतलब और कभी वो बर्गर शायद आपका हाथ वहीं जाएगा, फ्राइज पे ही जाएगा, पर वो तला गला खा के आदमी बीमार ही होता है, तो कभी कभी वो खाइए, कभी कभी ये खाइए, हर तरह का खाना होना चाहिए, तो उस हिसाब से सोचता हूँ। तो अभी हाथ धोकर किसी और प्रोजेक्ट पे पड़े हैं सर, अभी कुछ प्लान कर रहे हैं? 100% 100%, और अपना काम ही क्या है, अपन अमेज़न के लिए एक शो बना रहे हैं और उसकी राइटिंग चल रही है, देखते हैं वो कब प्रोडक्शन में जाती है नहीं जाती है, और दो फिल्में कर रहे हैं जिनमें से एक स्क्रिप्ट है जो कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के फाइनेंसिंग लैब में सेलेक्ट हुई है, और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल अभी इसी वक्त चल रहा है, तो एक्चुअली 6:30 बजे के बाद अपना ये इंटरव्यूज हम ख़त्म करके घंटा 1-1.5 घंटे में रात भर उनकी मीटिंग्स चलेंगी, आधे आधे घंटे स्लॉट्स पे, तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो करते रहना पड़ता है। तो सर ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं तो इसमें क्या टाई हुई पहन के बैठना पड़ता है सर, मीटिंग जो होगी कैसे बैठते हैं, क्या प्लान किया? मैंने तो आपको बोला ना मेरा सिर्फ रिश्ता सच्चाई से है, सो जिस अगर अपन टाई वाले हैं तो टाई पहनेंगे, नहीं तो जैसे हम हैं वैसे हम हैं, और सामने वाले को जितना जल्दी समझ आ जाए कि ये बंदा ऐसा ही है तो उतनी जल्दी पार्टनरशिप के चांसेस बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से किसी और के लिए आप 1.5-1 दिन ही बदल सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी फितरत पे आना पड़ता है, उसके बाद तो इन मीटिंग्स में भी मेरी यही मतलब कोशिश यही रहती है कि सच्चाई से ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली पेश आऊं, ताकि सामने वाले को जज करने का मौका मिले कि क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ इस आदमी के साथ, और अगर वो आंसर हाँ है तो फिर वो पार्टनरशिप फ्रूटफुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सुधांशु भाई, बिल्कुल आपने सही बात कही है। जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे, उन सभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? एब्सोल्युटली, प्लीज खुश रहिए, सेफ रहिए, और व्हाट्सएप पे, न्यूज पे, टीवी पे बहुत से लोग जहर घोलने की कोशिश करते हैं, आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए, और हमने साथ मिलके बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, ये कोविड भी हमारे पीछे चला जाएगा, सब बहुत अच्छी तरह होने वाला है, और
ये एक यूनिक स्पेशल याद बन के रह जाएगी कि याद है एक दिन कोविड हुआ था तब कैसे थे आप. तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी, हम अपने आप पे काम करते रहें और नॉक्स देखना मत भूलिएगा और ट्विटर पे हमें बताइएगा. मैं @IMSUDS हूँ और फिल्म है @NockTheFilm. तो अगर आप देखें तो हमें ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ताकि हम औरों में वो एम्पलीफाई करके डिसेमिनेट कर पाएं. क्या बात है सुधांशु भाई, थैंक यू सो मच. इससे अच्छी ये इंटरव्यू हो नहीं सकती है. जिस तरह से आपने बातें की, शेयर किया, मूवी के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, थैंक यू सो मच सर. एक छोटा सा इंटरव्यू था, बहुत जल्द एक बार फिर से आपके साथ बातें होगी और भी ढेर सारी हम बातें करेंगे. कोलकाता जब आप आएंगे तो स्टूडियो में बैठकर और भी ढेरों बातें होगी. थैंक यू सो मच सुधांशु, ऑल द बेस्ट. थैंक यू अनिमेश. प्रीमियर होने वाली है मूवी पे 15 सितंबर, यानी कि कल, हम सबको इंतजार है सर. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक. हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर सुधांशु सरिया, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे. देखना ना भूलिएगा, प्रीमियर होने वाली है मूवी नॉक 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 की मूवी पे 15 सितंबर, यानी कि कल. टेक केयर एंड गुड नाइट.